हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गोभी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि केली फ्लावर पराठा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने एक दो ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं, जिसे अपना के आप एकदम बढ़िया फूला फूला पराठा तैयार कर सकती हैं। खाने में ये टेस्टी होता ही है। तो फ्रेंड्स, सर्दी का सीजन है, ताजी ताजी केली फ्लावर आ रहे हैं, इसका पराठा आप भी जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये पराठा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठा बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ 500 ग्राम फूल गोभी, इंग्लिश में इसे केली फ्लावर कहते हैं। तो हम एक ताजी फ्लावर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पीछे वाले पार्ट को चाकू से निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसमें केवल इसकी फ्लावर्स ही लेनी है, एक्स्ट्रा निकाल देना है। अब हम इस फूल को गर्म पानी से धो लेंगे। तो हमने गैस पे पानी गर्म होने के लिए ले लिया है, वहां चलते हैं। गैस पे पानी गर्म हो चुका है। अब हम गोभी के एक-एक फ्लावर्स को अलग ऐसे करके और गर्म पानी में छोड़ देंगे। तो हमें एक-एक फ्लावर्स को ऐसे ऐसे अलग करना है और पानी में छोड़ देना है। एक-एक फूल को देखिए, हमने तोड़ के पानी में डाल दिया। अभी इसमें रूट्स लगे हुए हैं, तो हम इसे निकाल देंगे चाकू से। और अब हम चाकू से चार भागों में काट के और इसे अलग-अलग कर लेंगे। पानी में डालने का रीजन हम आपको बता दे रहे हैं, गोभी में कोई केमिकल हो या कोई भी इंसेक्ट हो तो गर्म पानी से धो देने पे ये निकल जाता है। तो बस हमें इतना ही देर के लिए गर्म पानी में डालना है, हमें कोई बॉयल वगैरह नहीं करना है। गर्म पानी में हमने फ्लावर्स को धो लिया है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसे टेढ़ा करते हुए एक एक पीस निकाल लेंगे एक बॉल में। ऐसे हम टेढ़ा करते हुए निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बॉयल नहीं हुआ है, केवल धुलने जैसा हो गया है। हम ऐसा कहेंगे हम इसे गर्म पानी से धो लिए हैं। तो चलिए हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एक फूल को इस ग्रेटर पे रख के ग्रेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें एक मोटा जाली है, एक पतला वाला है। तो हम कभी भी गोभी पराठे के लिए जब ग्रेट करेंगे तो पतला वाला से ही करेंगे, तभी हमारी ये स्टफिंग जो है वो अच्छे से तैयार होती है। तो हम इस गोभी को ऐसे घिसेंगे, ये बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे हम गोभी को घिस लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बारीक घिसने पे ये गोभी गिर रहा है। हमें ऐसे ही पराठे के लिए गोभी चाहिए। तो चलिए हम सब गोभी घिस लेते हैं। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं, सभी गोभी को हमने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। कद्दूकस करते टाइम हाथ को सावधानी से पकड़ के फिट कीजिए, नहीं तो क्या होता है, हाथ में उसका पॉइंट लगने का डर रहता है। हमने गोभी को अच्छे से कद्दूकस किया। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। गोभी में ज्यादा पानी रहता है, ये सबको पता है, तो हमें पराठे के लिए एक्स्ट्रा पानी निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक लेंगे और ऐसे डाल देंगे। नमक को हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक कवर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो गोभी अपना एक्स्ट्रा पानी जो है छोड़ देगा। फिर हम पानी जैसे निकालेंगे वो भी आपको बताएंगे। जब तक अपना गोभी रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक दूसरा परात ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम गेहूं का आटा,
आटे में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालना है। नमक को हम आटे के साथ ऐसे मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे रोटी चपाती का आटा लगाते हैं वैसे आटा लगा देंगे। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे आप आटा लगाते हैं वैसे ही लगाना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आटा को हमने ऐसे मुट्ठी से मसल मसल के 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंदा है। अब हम इस आटा को कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम गोभी चेक कर लेते हैं। तो हम ढक्कन हटा देंगे और हम आपको दिखा दे रहे हैं ये गोभी जो है काफ़ी मॉइस्चर छोड़ चुका है। तो हम इसकी पानी कैसे निकालेंगे, हाथ में थोड़ा सा गोभी लेंगे और एक बॉल में इसे हम दबाते हुए ऐसे गिराएंगे। आप देख सकते हैं एक बार हमने मुट्ठी से प्रेस किया तो इतना सारा ये पानी निकला। तो ऐसे हमें गोभी के सभी पानी को निकाल देना है, क्योंकि जब हम आटा में ये भरेंगे ये स्टफ करेंगे तो अपनी आटा गीला नहीं होगा और बहुत बढ़िया पराठा तैयार होता है। तो ये मेरा पहला टिप्स है, इसे आप जरूर ध्यान से रखिएगा। थोड़ा यहाँ पे ताकत लगाना पड़ता है तभी अच्छे से पानी निकलता है। इसे आप कपड़ा में भी रख के ऐंठ के निकाल सकते हैं, कोई पतला कपड़ा हो उसमें डाल के पानी निचोड़ सकते हैं। तो आपने देख लिया हमने 1/2 किलो कॉलीफ्लावर से इतना पानी निकाल लिया। तो इसे हम साइड में रख लेंगे, या तो आप कोई ग्रेवी बना रही हो उसमें डालिए या आटा भी गूंथ सकते हैं। तो चलिए हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम इसी बॉल में अपनी गोभी को ऐसे खोल लेंगे, क्योंकि जब हम प्रेस किए हैं तो एक ये ऐसे ढेले जैसा बन गया है, तो हम इसे खोल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमने बारीक बारीक काट रखा है। इसमें हम डालेंगे 4 कली लहसुन जिसे हमने ग्रेट किया है। तो मेरा दूसरा टिप्स ये है कि कभी भी आप इसमें अदरक लहसुन प्याज डालिए तो उसका पेस्ट मत डालिए, पेस्ट डालने से ये मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो अपनी पराठे में स्टफ करने में गीला गीला हो जाएगा। हमने अदरक भी ग्रेट करके ही डाला है, यहाँ पे 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ये था मेरा दूसरा टिप्स। एक हरी मिर्च को हमने एकदम बारीक बारीक काट रखा है, आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखा है। तो आपको अपने इच्छा अनुसार डालना है, तीखा जितना खाना है उतना डालिए, कम डालना है कम डालिए। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। तो हमने गोभी को भी नमक से मैरिनेट किया था, आटे में भी नमक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप नमक डालिएगा। अब हम सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये अपना गोभी का स्टफिंग तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं है, एकदम खुला खुला तैयार हुआ है। फिर जब हम पराठे बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें गरम मसाला। तो ये भी हम 1/2 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि अपनी स्टफिंग थोड़ी सी है। और इसमें फ्रेश धनिया पत्ता जिसे धो के हमने बारीक बारीक काट लिया है, इसका भी हमने पानी निकाल के काटा है, यानी कि धोने के बाद 2 मिनट तक धनिया पत्ता छोड़ दीजिए, पानी निकल जाए फिर काट लीजिए। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिला लेंगे।
तो फाइनली अपनी स्टफिंग तैयार हो गई। अब आटा को हम चेक कर लेते हैं। आटा का हम कवर हटाएंगे, आप देख सकते हैं दिखने में ही कितना अच्छा ये आटा दिख रहा है, एकदम स्मूथ और अच्छे से गूंदने पे ये बहुत ही सुंदर होता है, यानी कि इसमें जब हम भरेंगे तो अच्छे से पराठा तैयार होगा। तो चलिए हम एक बार हाथ से अच्छे से इसे मसल लेते हैं। अब हम इस आटे के चार पार्ट कर लेंगे, तो हम रोटी से थोड़ा सा बड़ा बड़ा बॉल्स बनाएंगे क्योंकि हमें उसे कवर करना है अंदर। तो देखिए हम इतने बड़े बड़े चार बॉल्स बना ले रहे हैं। हमने चार बॉल्स लिए, अब चकला लाते हैं हम। अब हम बॉल्स को साइड कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे जिससे कि हम पराठे पे डस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा लेना है यहाँ पे सूखा आटा। अब हम इस लोई को ऐसे हथेलियों से मसल के गोल बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम आटा से ऐसे डस्ट करेंगे। अब इस बॉल को हम क्या करेंगे, ये दोनों अंगूठों के बीच से ऐसे करके एक बॉल्स के कटोरी बनाएंगे, यानी कि आटा की कटोरी। आप देख सकते हैं बीच में हम मोटा परत रखेंगे, जब हम बेलन से इसे बेलेंगे तो चारों तरफ फैलेगा, और अंगूठे से ऐसे कटोरी को दबाते हुए ये बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने ये कटोरी तैयार किया। अब हम इस कटोरी में स्टफिंग डालेंगे, तो जितना स्टफिंग आपसे आ सके उतना इसमें भरिए, पराठा मजेदार होगा। तो हमने आप देख सकते हैं भर के स्टफिंग डाला है। अब हम अंगूठी की मदद से स्टफिंग को दबाएंगे और ऐसे आटा को फिर एक जगह ही इकट्ठा करेंगे। ये अंदर चला गया, थोड़ा हम और डाल लेते हैं और ऐसे दबाते हुए बॉल्स को फिर से जुड़ेंगे, यानी कि ऐसे हथेलियों से धीरे धीरे। ये तो आटा है, आप अपने मनपसंद अनुसार धीरे धीरे इसको ज्वाइंट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं पता चल रहा है कि हमने इसमें स्टफिंग डाला है, बॉल्स फिर से तैयार हो गया। अब हम हथेली से इसे ऐसे प्रेस कर लेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स है जिससे पराठा अपना बहुत सुंदर बन सकता है। फिर हम इसे आटा में डस्ट करके और अंगुलियों की मदद से ही पराठे को फैलाएंगे। तो ऐसे हम, इससे क्या होगा, स्टफिंग हर कोने कोने में एकदम बराबर फैलेगी। आपको दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं फूटा, इतना बड़ा अपना पराठा तैयार हो गया। अब बाकी का हम गोल बेलन से करेंगे। तो हम यहाँ पे एक रोटी बनाने वाला ये चकला लिए हैं, बेलन से इसे ऐसे फैलाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्रेस करते हुए नहीं फैलाना है, हल्का हल्का ऐसे रोल करते हुए पराठे को फैलाना है। फिर उलट लेंगे। ऐसे हम पराठे को फैला लेंगे। कितना बढ़िया पराठा तैयार हो रहा है। तो हमें इतना ही बड़ा पराठा बनाना है। अब बड़ी लोई लेंगे तो बड़ा पराठा तैयार होगा, छोटी लोई लेंगे तो छोटा तैयार होगा। आप देख सकते हैं एकदम मीडियम आकार का बहुत ही बढ़िया पराठा तैयार हुआ है। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पैन गरम किए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे तावा भी गरम कर सकते हैं, पर हम जब घी डालते हैं पैन में तो फैलता नहीं है, पराठे के अंदर ही रह जाता है। हमने इसमें पराठा डाल दिया। अब हम इसे आधा मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे एक साइड से, फिर हम इसे चेक करेंगे। आधा मिनट हो चुका है। अब हम चम्मच में तेल लेंगे, आप चाहे तो देसी घी डालिए, और किनारे किनारे ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। इससे इसका किनारा जो है अच्छे से फ्राई हो जाता है
और पराठा बहुत अच्छा तैयार होता है। अब हम एक स्पेचुला की मदद से इसे ऐसे पलटी मारेंगे। तो ऐसे हम स्पेचुला पे उठाएंगे और दूसरे से इसी में क्लिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी बढ़िया अपनी पराठा तैयार हुई है। तो ऐसे ही हम उलट पलट के पराठा सेक लेंगे। अब हम ऊपर से एक चम्मच ऐसे तेल फैला लेंगे और पराठे को फिर से उलट लेंगे। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल ऐसे फैला लेंगे और बस हमें उलट उलट के इसे पराठे का कलर देना है। तो आप देख सकते हैं अपनी गोभी पराठे का कलर कितना सुंदर आया है। पैन में बनाने का यही फायदा है कि एक्स्ट्रा तेल तावा पे फैल जाता है, फिर पराठा सीकने में दिक्कत आता है। कौन कहता है कि गोभी का पराठा फूलता नहीं है। आप देखिए कितना अच्छा गोल गोल फूला है। अब बस हमें क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये अपना प्यारा सा गोभी का पराठा। तो चलिए हम दूसरा भी पराठा तैयार कर लेते हैं। लोई को हम ऐसे गोल करेंगे। लोई को हमने गोल किया, आटा डस्ट किया, ऐसे बॉल का कटोरी बनाया। इसको साइड करके हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो आप देख सकते हैं एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच हम डाल दे सकते हैं, अच्छे से ये अट जाता है। हमने स्टफिंग को अंगूठे से दबा दिया है। अब हम ऐसे इसको कवर करेंगे, यानी कि पांचों अंगुलियों से हल्का हल्का ऐसे ज्वाइंट करेंगे। आप देख सकते हैं घुमाते हुए हमने आटे से इसके मुंह को ज्वाइंट कर दिया। एक्स्ट्रा पार्ट को या तो निकाल दीजिए या ऐसे प्रेस कर दीजिए। अब हम फिर से सूखा आटा लेंगे, इस पे आटा डस्ट करेंगे और जैसे हमने पहले आपको बताया, फर्स्ट स्टेप हथेली से प्रेस करना, अंगुलियों से इसको फैलाना है। ये सारे प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमने पराठा ऐसे फैला लिया। अब हम रोटी बनाने वाले चकले पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे, उस पे ये अपना पराठा रखेंगे और बेलन से हम हल्का हल्का घुमाते हुए जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उतना बड़ा पतला कर सकते हैं। दूसरा पराठा भी ऐसे ही बेल लिया। अब इसे हम हाथ पर ऐसे लेके गैस पे चलेंगे, धीरे से हम फ्राई पैन में डाल देंगे। एक से डेढ़ मिनट तक हम इसे सीकने देंगे। देख सकते हैं हमने फूली फूली गोभी के पराठे तैयार किए। सभी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। गोभी पराठा बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। तो हमने जो टिप्स ट्रिक्स बताए हैं उसे आप अपना के बनाएंगे तो पराठा एकदम बढ़िया फुला फुला तैयार होगा, खाने में तो टेस्टी लगेगा ही। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए, डिनर पे बनाइए, लंच में बनाइए, जब मन करे बनाइए, खाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।